खबर एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर जहां रायपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस की जबरिया कार्रवाई से प्रताड़ित होकर छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र धर्मेंद्र आदिले को छेड़खानी के आरोप में कार्रवाई की गई थी। पुरानी बस्ती थाना में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। मृतक के परिजनों ने महिला प्रभारी आईपीएस रत्ना सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो छात्र ने कल देर रात मामा के घर पर खुदकुशी की है। प्रताड़ना से तंग आकर उसने कदम उठाया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता शिवम मिश्रा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शिवम, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कहना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल पुरानी बस्ती थाना में धर्मेंद्र आदिले को कल बुलाया गया था, इसमें मामले में पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र आदिले के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि धर्मेंद्र आदिले लगातार उन्हें परेशान करता है, उनके फोन पर लगातार कॉल करता है, उसके बाद उनके परिवार वालों को भी अपशब्दों का प्रयोग करता है और वे लगातार घर के बाहर आकर के गंदी गंदी अश्लील हरकतें करता है, जिसकी शिकायत पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने धर्मेंद्र आदिले को, मैं बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र आदिले बीएससी बीसीए और यूपीएससी फाइट करने वाले एक छात्र है, जिसे पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने कल मुस्कान से धारा 151 के तहत कार्रवाई कर हिरासत में लिया था। कल दिन भर हिरासत में बैठाने के बाद कल देर रात कलेक्ट्रेट से उनकी जमानत की गई धर्मेंद्र आदिले की। धर्मेंद्र आदिले की शिकायत के बाद लगातार वो इस चीज से परेशान था कि पुलिस की जो ये कार्रवाई है ये काफी ज्यादा हद तक मुझे प्रताड़ित की गई है, मेरा पूरा भविष्य खराब हो चुका है, इसके आगे मैं अपने और जिंदगी को नहीं देख पाता हूँ। तो जिसके बाद ये बात उठी कि लगातार परेशान चल रहा था, जिसके बाद कल अपने मामा के घर पर जाकर के धर्मेंद्र आदिले जो है वे देर रात फांसी पर लटक गए और फांसी पर लटकने के बाद वे उसने आत्महत्या कर ली। आज सुबह जब उसके परिजनों को इस बात का पता लगा कि धर्मेंद्र आदिले कहाँ है, जब उसकी खोजबीन की गई तो धर्मेंद्र आदिले आज अपने छत के ऊपर फांसी पर लटका हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले पर धर्मेंद्र के परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने धर्मेंद्र आदिले को बैठाकर हिरासत में लेकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लगातार पुलिस के बड़े मामले में आईपीएस रत्ना सिंह का क्या कहना है शिवम? अजय बिल्कुल, देखिए हमने कई बार कोशिश की रत्ना सिंह से बातचीत करने की, लेकिन वे लगातार इस मामले में बातचीत करने से इंकार करती रही। लेकिन इस मामले पर पुलिस के बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि शिकायत पर उसे बैठाया गया था थाना पर, किसी प्रकार की उसको प्रताड़ना नहीं किया गया था थाने के अंदर धर्मेंद्र आदिले के ऊपर। तो ये जो पूरा मामला था, ये पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है कि आखिर धर्मेंद्र आदिले ने काहे किस लिए इतना बड़ा आत्महत्या कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। नवनियुक्त मुख्य सचिव